एनर्जी ड्रिंक के जिहड़े हेल दे ते एक मेटालिक टिफिन सीगा ए तीन कंटेनर्स दे विच तकरीबन 200 ग्राम एक्सप्लोसिव सी जिहड़ा फायर क्रैकर्स बनाने यूज किया जाता है उस दे विच प्लेस करके एक पॉलीथिन बैग दे विच ए तीनों कंटेनर प्लेस किए गए सीगे ते जिहड़ी पार्किंग हैगी हेरिटेज पार्किंग बिल्डिंग उहदे रूफ टॉप ते आजाद वीर ने कल्ले जाके उत्थों रोप डेंगल करती सीगी ते उस तो बाद 6 मई 11:25 PM ते एक्सप्लोजन होया सी आजाद वीर ते इना इस मॉड्यूल नूं ए लग्या सीगा कि साडी साडी इस एक्शन दा इंपैक्ट नहीं होया देयरफॉर ए दूजा एक्सप्लोसिव जिहदे ते दो मेटालिक कॉलियां सी वी विल बी रिलीजिंग सम पिक्चर्स ते इनफैक्ट इना दे हले वी विल बी एग्जामिनिंग देयर टेलीफोन्स एंड अदर डिवाइसिस सीज ते इना दे टेलीफोन ते ओह पिक रिलीज हुई जिहदे विच ओह मेटालिक कॉलियां हैगियां जिन्हां नूं जोड़ के उहदे विच एक्सप्लोजन जिहड़ा जिहड़ा सैकेंड जिहड़ा सी ए जिहड़ा ए भी उत्थे ही गुरु रामदास राय के बाथरूम के असेंबल होया सीगा तकरीबन 10:30 रात 7 मई नूं ते सवेरे अर्ली मॉर्निंग जिहड़ा इन्हें जाके 4 बजे के करीब IED उत्थों हैंग करता सी जिहड़ा 6:15 एक्सप्लोजन होया सीगा जिहड़ा थर्ड एक्सप्लोजन सीगा इस रात ही होया सीगा 12:10 ते उस दे बाद CCTV तो सानू लाइव जिहड़ी इन्हां दी फुटेज मिली उसनों ट्रैक किया गया ते SGPC दे सहयोग नाल जिहड़ा हैगा असी इन्हां नूं अरेस्ट किया ते इस दे विच असी पूरी इन डेप्थ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करांगे फोरेंसिक टीम्स की हैल्प लैके दूजे एजेंसीज की भी हैल्प असी लै रहे हैगे ते इन्हां दे डिवाइसेज एग्जामिन करके असी इस पूरी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करांगे कि इन्हां दे किन किन लोकां नाल लिंक सीगे इन्हां दे एसोशिएट्स किहड़े सीगे इंडिया एंड अब्रॉड एंड वी विल अनवेल द एंटायर कॉन्सपिरेसी बिहाइंड दिस इंसीडेंट ते यह पहला ब्रेक थ्रू हैगा 5 गिरफ्तारियां हुई हैं मैं CP साहब नूं कहा सीगा कि एक SIT बना के SIT इसनों इन्वेस्टिगेट करेगी पंजाब पुलिस ने ये अमृतसर में जो हाल के दिनों में जो 3 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स हुए थे उन्हें वर्कआउट कर लिया है और 5 इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं अमृतसर पुलिस की तरफ से आज़ाद वीर सिंह अमरीक सिंह साहिब सिंह एलिया साबा हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रोल आज़ाद वीर सिंह और अमरीक सिंह का पाया गया है जो इसमें जिन्होंने IED असेंबल करी और IED एक्सप्लोड करी साहिब सिंह साबा हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह का रोल सोर्सिंग एक्सप्लोसिव्स जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किए एक चेन के थ्रू आज़ाद वीर सिंह को धर्मेंद्र सिंह ने हैंडओवर किया उसे हरजीत सिंह से मिला हरजीत सिंह को साहिब सिंह ने दिया था साहिब सिंह के पास लाइसेंस्ड एजेंसी है एक्सप्लोसिव्स ये ऑपरेट करते हैं अनगढ़ इलाके में रिकवरी इनसे 1.1 kg मिक्सचर ऑफ क्लोरेट्स एंड ब्रोमाइड्स हुए हैं इनकी टेस्टिंग केमिकल टेस्टिंग कराएंगे और ये लो ग्रेड एक्सप्लोसिव्स हैं जो आमतौर पर फायर क्रैकर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं मैं SGPC टास्क फोर्स और SGPC के सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और रिकॉर्ड पर प्लेस करता हूँ मैंने SGPC के प्रधान जी से बात करके उनका धन्यवाद भी किया है तो पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया गया हमने एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी CCTV फुटेज टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन डेटा से हमने इनकी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर ली है और इसकी हम डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे इनके लिंकेजेस जो इनके टेलीफोन फोरेंसिकली एग्जामिन कराएंगे इनके एसोसिएट्स के बारे में पता करेंगे इंडिया या अब्रॉड में और इसको सारे एंगल्स को हम एक SIT कॉन्स्टिट्यूट करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे पंजाब पुलिस हैज़ सक्सेसफुली वर्कड आउट द केसेज ऑफ एक्सप्लोजन्स विच टुक प्लेस इन गोल्डन टेम्पल रिसेंटली एंड वी हैव अरेस्टेड 5 persons दे इंक्लूड आज़ाद वीर सिंह अमरीक सिंह द मेन परपेट्रेटर्स ऑफ द इंसिडेंट एंड द 3 people हु सप्लाइड एंड सोर्स द एक्सप्लोसिव्स साहिब सिंह हरजीत सिंह एंड धर्मेंद्र सिंह आज़ाद वीर सिंह वॉज प्रोवाइडेड द एक्सप्लोसिव बाई धर्मेंद्र सिंह हु वॉज प्रोवाइडेड बाई हरजीत सिंह एंड इट वॉज एक्चुअली सोर्स फ्रॉम साहिब सिंह साबा 1.1 kg लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव्स हैव बीन रिकवर्ड दीज इंक्लूड अ मिक्सचर ऑफ क्लोरेट्स एंड ब्रोमाइड्स विच आर नॉर्मली यूज इन फायर क्रैकर्स आई प्लेस ऑन रिकॉर्ड द एप्रिशिएबल रोल प्लेड बाई SGPC टास्क फोर्स एंड SGPC एंड वी हैव थैंक द SGPC प्रेसिडेंट फॉर द कोऑपरेशन द इन्वेस्टिगेशन विल बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर द CCTV इन फैक्ट इट वॉज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विच लेट टू अ ब्रेक थ्रू बाई एग्जामिनिंग द CCTV फुटेज एंड देन वी वर एबल टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द परपेट्रेटर टू टेक्निकल मीन्स एंड वी विल इन्वेस्टिगेट द एंटायर डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस
who are the associates of the people arrested in India and abroad and get to the bottom of it. The IED, which was the first IED, was assembled in the bathroom of Guru Ram Das Sarai on 6th. It constituted about 200 grams of explosive, which are used for firecracker making, in two energy drink cans with about 10-12 stones of bajri. And a metallic tiffin was also filled with the same explosive material. And all these three containers were placed in a polythene bag. And Azadveer had gone to the rooftop of Heritage Parking building. And then he hung the polythene bag with the help of a rope at around 11 p.m. on 6th of May. And the first explosion had taken place at 11:25 p.m. The second IED was also assembled by using two metallic bowls, which were then joined together, and it was again in the bathroom of Guru Ram Das Sarai on the 7th May, and it was placed on the top of the Heritage Parking building at around 4:30 in the morning on 8th of May, where it exploded at 6:15 in the morning. The third IED was exploded in a secluded area behind the Guru Ram Das Sarai. Subsequent to this, the CCTV footage was investigated into by the police and with the help of the SGPC, and which led to clues. Through technical means, we were able to establish the presence of the accused, and five accused have been arrested. We will investigate the deep-rooted conspiracy behind this and examine all the associates of the arrested persons who are in India and abroad to get to the bottom of this. And an SIT will be formed by the Commissioner of Police to investigate this case. What was their motive? Why they used It is too early. We will investigate. You see, whatever material we, as I said, we will investigate in a dispassionate and scientific way. Tin dhamake hoye na ji. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਐਂਡ ਟੂ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਸੋ ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੇਕਸ ਡਿਊਸ ਸੋ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਡਿਟੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਦਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ ਸਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਐਂਡ ਲੀਗਲੀ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਰਜੀਤ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਅੰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਪ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲੀ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਥਰੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਟਆਊਟਸ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤਾ ਆਜ਼ਾਦਵੀਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਵੋਲਫ ਅਟੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਲਫ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ਡ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਯੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕੰਕਲੂਸਿਵਲੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸ ਕੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਡ ਆਊਟ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਈ ਡੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ
मोबाइल फोनों की टावर लोकेशन तो इट इज क्लीयरली स्टैबलिश दैट दिस मोड्यूल वॉज बिहाइंड ऑल द थ्री इंसीडेंट्स। देखो जी सीसीटीवी तो ही एसजीपीसी ने मैनेजमेंट असी तो सारियां सुप्रीम कोर्ट भी हिदायत हैगी कि जेड़े बेअदबी के इंसीडेंट्स हो रहे हैं कि धार्मिक स्थानों सीसीटीवी तो कवर किया जाए तो उसनों इन्वेस्टिगेट करन दे विच बहुत मदद मिलती है। देखो मोटी गल जी हैगी मैं जी गल एप्रीशिएट करन वाली है कि दरबार साहब दे कॉम्पलैक्स के अंदरों भी जड़ा एक वॉन्टेड क्रिमिनल सीगा उसनू तगड़े होके फड़िया गया तो एस जी पी सी टास्क फोर्स पुलिस ने फड़िया। सो यह पहले भी होंदा रहा हैगा। सो इट इज़ असी सारियां दी सांझी जिम्मेवारी है अमन शांति दे कानून नू बना के रखने की। असी आई थिंक इस केस नू बहुत अच्छी तरह हैंडल किया गया। नहीं इस नू देखो सिंस मल्टीपल एजेंसीज इनवॉल्व हैगियां ते असी इस ते भी इन्वेस्टिगेशन दे विच जिहड़ी गल आऊगी उस ते फोकस करांगे जिहड़े लूप होल्स हैगे उहनां नू प्लग कीता जाऊगा। देखो इदा हैगा असी मेरिट बेस्ड फैक्ट बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करांगे। देखो जी रेडिकलाइज तो है रेडिकलाइज है तो असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दो जी नहीं जी असी ओदी इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने बनाई है। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। देखो जिहड़ा बंदा लॉ नू वांटेड है वो फड़िया जाऊगा जी। ਉਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕੇਜ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। देखो यह पांच मेंबरी मोड्यूल हो गया जी बाई इटसेल्फ तुसी इनू मोड्यूल कह लो स्लीपर सैल कह लो कि इनएक्टिव सीगे सडनली एक्टिव हो गए। सो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात लगातार असं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखो जी इतने थ्रेट परसैप्शन के उपर ना जी जमें जमें जो सू लोड पैंती है असं उदो पैरामिलिट्री फोर्स मंगा लेंगे जो फिर वो वापस चली जाती है। फिर इट इज स्पेशली अमृतसर दे विच ते ऑनगोइंग प्रोसेस है। असी सारे इहदी क्रिमिनल हिस्ट्री हैगी असी इहदे सारे एसोसिएट्स सारे लिंकेजेस असी इस नूं भी पुछ रहे हैगे। असी साइंटिफिक तरीके नाल इहदे सोशल मीडिया अकाउंट्स इहदे जिहड़े मोबाइल डिवाइसिस नूं फोरेंसिकली एग्जामिन करके इहदे लिंकेजेस सारे लिंकेजेस रिकॉर्ड ते लैके आवांगे इन्वेस्टिगेट करांगे। देखो ज्वाइंट असी भी साढ़े बंदे भी उत्थे सीगे असी इहनूं ज्वाइंट ऑपरेशन कह लो जी असी एस जी पी सी नूं पूरा क्रेडिट देंदे जी। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदरवाइज दरबार साहब दे विच कुछ भी हुंदा है तो न्यूज़ बनती है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच जी।